आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज का जो टेक न्यूज है 202 टेक न्यूज, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज का न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, रेडमी 9 आज चाइना पे लॉन्च हो चुका है। ये इंडिया पे पोको के नाम से लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इस फोन का जो डिजाइन पैटर्न है वो पोको X2 वाले ही पैटर्न को कैरी करता है ये। और अगर ये इंडिया पे आया तो ये आएगा पोको का M2 फोन के नाम से ये आएगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि पोको सीरीज पे भी अब हमको ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलेंगी, जो कि एक रेडमी का ही सब ब्रांड है। ओलंपस नाम से को आप जानते ही होंगे। ओलंपस काफी पुराना कंपनी है, 1936 की कंपनी है। इसने उस समय से कैमरा बनाना चालू किया था, बट अब ये अपना कैमरा डिपार्टमेंट को जापान के इंडस्ट्री पार्टनर को सेल आउट करने वाला है। लीगल प्रोसीजर डील एग्रीमेंट कंफर्म होने वाला है 30 सितंबर 2020 को। माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर जो आप देखते आ रहे हैं विंडोज विस्टा से लेके 7, 8, 8.1, 10 पे, वो अब आपको मोबाइल एंड्रॉयड के लिए भी मिल चुका है। अगर आप मोबाइल पे एंटीवायरस चलाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाइए और माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर ATP फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड कर लीजिए। रेडमी फोन को स्पॉट किया गया है, एक नया रेडमी फोन जिसमें लगा होगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1000+ या फिर बोले 1000L वाला प्रोसेसर, ये जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंथ पे आ सकता है चाइना मार्केट पे, और इसका नाम हो सकता है Mi 10 Pro Plus। ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 12 पंच होल वाला सेल्फी डिजाइन मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और डबल 5G का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा Android 10 के ऊपर। फ्लिपकार्ट ने काफी लेट लतीफ, लेकिन एटलीस्ट काम तो किया है। तो फ्लिपकार्ट ने अपने वेबसाइट को सपोर्ट दे दिया है कनाडा, तमिल, तेलुगु ऐसे लैंग्वेज के लिए। वैसे फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी थी, अब US कंपनी हो चुकी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर चुका है वॉलमार्ट। और इंडियन कंपनी होने के बावजूद इतने लेट अगर इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट फ्लिपकार्ट लाता है तो काफी बुरी बात है, बट एटलीस्ट अब आप ये तो बोल सकते हैं कि मिला तो कुछ नहीं से कुछ सही। सैमसंग ने आज अपना खतरनाक एक मॉनिटर लॉन्च कर दिया है, ओडीसी G9 कर्व मॉनिटर। ये बेसिकली गेमर्स के लिए ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं गेमर्स के अलावा इसे एडिटर्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एडिटिंग पे हमको काफी एक लंबा चार्ट होता है जिसे हमें एडिट करना पड़ता है, क्रॉप करना पड़ता है, तो उसके लिए जो ग्राफ साइकिल है वो जूम करके देख के हमें एडिट करना पड़ता है। तो उस पर्पस के लिए ये पैटर्न काफी अच्छा है। इसमें 1 मिली सेकेंड का रेस्पॉन्स टाइम है, 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है और 49 इंच का ये डिस्प्ले है। 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक भी ये चले जाता है गेमिंग प्लेटफॉर्म पे। Realme Narzo 10A का प्राइस इंक्रीज हो चुका है 500 रुपए, Realme C3 का प्राइस 1000 रुपए इंक्रीज हुआ है। अब आप तैयार हो जाइए, अब आप बायकॉट चाइना करने वाले हैं, लेकिन आपके करने से पहले ही चाइना, अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी आपके चाइना प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। अब वो जमाना चले गया आज से 1-2 साल, 4 साल 5 साल पहले, जब कौड़ी के भाव में मार्केट को पूरा तहस नहस करने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में मिलते थे एकदम बच्चों वाले रेट पे। अब आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, आपको 10,000 के नीचे तो कोई ढंग के फोन देखने भी नहीं मिलेंगे। सोनी का ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लॉन्च हो चुका है, 10,000 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। अब सोनी ब्रांड है, मेड इन इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं और मेड इन फॉरेन देखना चाहते हैं तो जाइए और सोनी प्रोडक्ट परचेज कीजिए। वन प्लस का टीवी जो है अमेजोन पे प्री ऑर्डर पे आ चुका है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीवी की बात नहीं है, चाइना की बात नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कभी भी हड़बड़ी करके पहले सेल, फर्स्ट सेल, प्री ऑर्डर पे कभी ना बुक कीजिए ना कभी लीजिए। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ऐसा चीज है पहले उसे आने दीजिए, जितने यूट्यूबर्स हैं जैसे हम जैसे लोग उसे रिव्यू करेंगे, आपको सही गाइड देंगे, तब आप उस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, चाहे वो टीवी हो, ईयरफोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मोबाइल हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, उसका फुल फ्लैश्ड रिव्यू का वेट कीजिए तभी उस प्रोडक्ट को लीजिए, इतना हड़बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप में भी अब आपको हाइक मैसेंजर की तरह
इमोजीज और जीफ इमेज का भी सपोर्ट आने वाला है जल्द ही। ट्रेलर सामने आ चुका है और अभी तक आप इस चीज को यूज करते थे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, लेकिन अब आपको ऑफिशियली तौर से मिल जाएगा। ये एसर का प्रीडिएटर सीरीज में लैपटॉप को अपडेट किया गया है गेमिंग मॉडल पे। हीलियोस 700, हीलियोस 300, ट्रीटॉन 300, नाइट्रो 7, 10th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ। मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक के बारे में थोड़ा भी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अब आप इंटेल को इग्नोर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इंटेल ही एक ऐसा ब्रांड है जो काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। अब वो पैसा लूट ब्रांड हो चुका है पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से केवल जनरेशन पे जनरेशन निकालता है। प्रोसेसर के परफॉर्मेंस में कुछ खास वॉस्ट चेंज नहीं आता, बट प्राइस पे इतना जंप करता है दिखाने के लिए आईफोन की तरह कि लोगों को लगेगा अरे प्राइस बढ़ा है, नया जनरेशन आया, मतलब कुछ तो कमाल करेगा ये। जबकि आप चाहिए एएमडी के राइजन सीरीज जो कमाल के बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, इंटेल उनसे लगभग 30% पीछे हो चुका है परफॉर्मेंस और प्राइस के मामले पे। और आपको उसमें एएमडी पे ओवरक्लॉकिंग ओपन मिलता है, थ्रॉटल ज्यादा मिलता है, ऊपर से कैश मेमोरी भी ज्यादा मिलता है, प्राइस भी सस्ता रहता है। और इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर पे तो आपको ओवरक्लॉकिंग मिलता ही नहीं है, लॉक्ड रहता है। आप ओवरक्लॉक वाला मॉडल अलग से लेंगे जो के सीरीज के नाम से आता है, वही ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। ऊपर से इंटेल ज्यादा सॉकेट भी चेंज करते रहता है, ये काफी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है जो एएमडी नहीं करता है। और इंटेल के सिस्टम के साथ आप रैम का ज्यादा एफएसपी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10th जनरेशन का भी पीसी ले रहे हैं तो भी आप बड़ी मुश्किल से 3000 FSP तक का ही रैम यूज कर पाएंगे, जबकि एएमडी के साथ आप 3200-3700 FSP तक का रैम यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा FSP भी आपको वहां मिलती है यूज करने के लिए, कस्टमाइजेशन भी आपको ज्यादा अच्छा मिलता है और प्राइस भी सस्ता मिलता है एज कंपेयर इंटेल। एसर का Swift 5 2020 एडिशन भी लॉन्च हो चुका है इंटेल के कोर प्रोसेसर के साथ। कॉन्सेप्ट 3D एजल के नाम से भी दो और पोर्टेबल नोटबुक पैटर्न के लैपटॉप डिजाइन करके दिए गए हैं। ऑनर ने भी अपना ट्रूली वायरलेस ईयरफोन का कुछ लीक सामने कर दिया है कि 7 mm टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा, और अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और प्राइस नियर अबाउट 3000 के आसपास ही आएगा। ये Redmi 9 जो है ये अब 2 वेरिएंट पे आपको और मिल सकता है, क्योंकि आज चाइना में लॉन्च हुआ, उसके बाद हमको पता चला है कि 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB 128GB, इस तरीके के 3 वेरिएंट आएंगे। 4 64 का प्राइस है 8,500 रुपए इंडियन रुपीस में, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, और 4GB 128GB का प्राइस है 10,500 रुपए और 6GB 128GB का प्राइस है 13,000 रुपए। वन प्लस ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि वन प्लस जी नाम से जो एक लाइटर वेरिएंट वाला फोन आएगा, इसे टारगेट पे रखा गया है पिक्सल के ए वाले सीरीज यानी कि 3A 4A A सीरीज, सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 लाइट, S10 लाइट, इस टाइप के फ्लैगशिप को टारगेट करके, और चाइनीज का ट्रू फ्लैगशिप, जैसे चाइनीज अपने ट्रू फ्लैगशिप को तो 30,000 तक में बांट देते हैं, चाहे वो आरओजी गेमिंग फोन हो, चाहे एमआई के हो, ऑनर के हो, तो उनको भी ये टारगेट करेगा। और ब्रांड जो अपना ट्रूली फ्लैगशिप का एक लाइटर वेरियंट निकालता है, उसी तरीके से वन प्लस भी अब अपना ट्रूली फ्लेक्सिब लेवल का एक लाइटर वेरिएंट निकालेगा, और ये आ सकता है 37,000-35,000 के प्राइस वैल्यू के आसपास आएगा अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट, और इसका लोअर वेरिएंट जा सकता है 27,000 से शुरू हो सकता है। मोटरोला ने 7 जुलाई का इवेंट डिसाइड कर लिया है। अब 7 जुलाई को दो नए फोन मोटरोला की तरफ से लॉन्च हो सकते हैं। पहला है मोटरोला एज प्लस जो आया था, उसी का मोटरोला एज लाइट, और दूसरा जो आया था मोटरोला का अभी रिसेंटली मोटरोला समथिंग हाइप एक्स पॉपअप के नाम से आया था, उसी का एक लाइटर वेरिएंट और आ सकता है। वीवो का IQ Z1X, एक्चुअल अभी तक Z1 आया था, उसका एक एक्स नाम से एक लाइटर वेरिएंट सामने आया है 765G 5G प्रोसेसर के साथ, 120 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसकी प्राइस निकल के आई है 23,000-24,000 के आसपास ये फोन कैरी कर सकता है, मतलब अंडर 25,000 वाला इसका स्टार्टिंग वेरियंट आपको मिल जाएगा। रेडमी 9 जो चाइना पे आज लॉन्च हुआ है, अब मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिजाइन कंप्लीटली रेडमी के के सीरीज को कैप्चर करता है, और अगर आप इंडियन मार्केट से मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो पोको सीरीज को कैप्चर करता है। इसके अलावा इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है,
वाटर ड्रॉप 9 से दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, रियर पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ कैमरा दिया गया है। MIUI 11 के ऊपर एंड्रॉइड 10 है इस पे, और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको डब्बे पे ही दिया जाएगा। अब मैं बता दूं इसका मेन जान यानी कि दिल वो है हीलियो का G80T, यानी कि गेमिंग वाला G80 प्रोसेसर दिया गया है जो काफी अच्छा है। अगर आप कम बजट पे पबजी लवर है तो आराम से आप पबजी खेल सकते हैं, काफी अच्छी प्रोसेसर ये है। इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4/64, 4/128 और 6/128, और ये 30 तारीख से JD.com चाइना का जो वेबसाइट है उसमें मिलने लग जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट चाइना पे जाते हैं तो टी मॉल पे आपको 29 जून से ही ये मिलने को लग जाएगा। रेडमी का K40 यानी कि सक्सेसर जो K30 था उसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो 5G पे आएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन इस फोन के काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं, वो ये है कि टोटल 4 रूमर आए हैं इसमें। पहले आपको डायमेंसिटी का 800 प्रोसेसर भी मिल सकता है बोला जा रहा है, दूसरा ये बोला जा रहा है कि मीडियाटेक का 1000+ वाला प्रोसेसर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाले 765G वाला भी प्रोसेसर मिल सकता है, और दूसरा मिल सकता है आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 775G या फिर 690 वाला प्रोसेसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लाइक करने के बाद इस वीडियो को वायरल करने के लिए फैला दीजिए, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे देख पाएंगे, जो मेरे तरफ से कंप्लीट कोशिश रहेगी। थैंक यू।